हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लांटिंग विज़र्ड। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इसी पे है कि हम लोग सीड्स कहाँ से ले। ऑब्वियस सा बात है कि जाना हो नहीं पा रहा है, आसपास नर्सरी है नहीं, ऑलरेडी इतना झंझट हो रखा है, अब सीड्स भी नहीं मिल रहे हैं और मैं खुद इतने सारे टेंशन भी थी कहाँ से सीड्स लूँ। मुझे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने थे बट सीड्स नहीं मिले। पूरे लॉकडाउन पीरियड इतने मंथ्स मैंने अलग अलग वेबसाइट छान मारे, ऐप्स छान मारे, बिकॉज मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स चाहिए। हो सकता है कुछ कुछ ऐप्स में वो ना हो, सो बहुत परेशानी हुई। एंड एट लास्ट मेरे पास अब एक पूरा तरीके से एक लिस्ट जैसे बन गई है कि कहाँ कहाँ से सीड्स ले सकते हैं, किस तरह के सीड्स में, डिलीवरी चार्जेस एंड कि रिलायबिलिटी है कि नहीं, कि वहाँ से सीड्स लेने चाहिए भी कि नहीं लेने चाहिए। सो ये पूरी वीडियो उसी की तरफ है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैंने खुद कुछ जगह से सीड्स मंगवा लिया है, कुछ और मंगवाने वाली हूँ अलग अलग प्लेस में। अलग अलग जगह में अलग तरह के सीड्स मिलते हैं, सो मैं वही उसी तरीके से वो सारे सीड्स को मंगवाने वाली हूँ कुछ जगह से, और कुछ जगह से मंगवा भी ली हूँ। तो काफ़ी मैंने सोच समझ के ये वीडियो बनाया है कि रिलायबल सोर्स होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो, ऑनलाइन फ्रॉड भी आजकल बहुत होता है। तो ये सारी बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से ही मैंने ढूंढ के निकाली है। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगा। सो आइए, सो पहले जो वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है ट्रस्ट बास्केट। ये एक्चुअली ऐप भी मिल जाएगा, आप इसके वेबसाइट में भी जा सकते हैं। इससे मैंने ऑलरेडी सीड्स मंगा लिया है, इधर भी काफ़ी आपको वैरायटीज ऑफ सीड्स मिल जाएंगे। इवन सॉइल भी मिल जाएगा, वेजिटेबल प्लांटर, गार्डन सॉइल, फ्लावर सीड्स, एवरी काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन यहाँ पे सीड्स के भी कलेक्शंस अच्छे हैं। अगर आपको ओपन पॉलिनेटेड सीड्स चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, फ्लावर्स के सीड्स है, इवन यहाँ पे हर्ब्स के सीड्स भी मिल जाएंगे। ओपन पॉलिनेटेड एंड हाइब्रिड दोनों ही मिल जाएंगे। यहाँ पे से मैंने काफ़ी सारे सीड्स मंगाए हैं, इवन ग्रो भी किए हैं। इनमें से बेसिकली मैंने ओपन पॉलिनेटेड सीड्स ही मंगाए हैं, एंड लेमन ग्रास के खाली सीड्स जो हाइब्रिड ही अवेलेबल थे वही वाले मैंने मंगवाए हैं। सो आपको काफ़ी अफोर्डेबल, बेसिकली 30 रुपीज़ में आपको ओपन पॉलिनेटेड सीड्स मिल जाएंगे हर तरह के। इन्होंने अभी तक अपने लिस्ट को काफ़ी शॉर्ट रखा है, इवन जब मैंने ख़रीदा था इतना ही था। सो इसमें मतलब काफ़ी लिमिटेड वेजिटेबल्स के सीड्स आपको मिलेंगे ओपन पॉलिनेटेड कैटेगरी में, बट हाइब्रिड में जाएंगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बेसिकली 59 रुपीज़ में है हाइब्रिड वेराइटीज़। सो आपको अगर बेसिक वेजिटेबल्स लाइक एग्जॉटिक ना, बस थोड़ा बहुत बेसिक वेजिटेबल्स के सीड्स चाहिए तो आप इसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। 30 रुपीज़ स्टार्टिंग है सीड्स के। इवन फ्लावर सीड्स के जो ओपन पॉलिनेटेड वर्जन है उसके भी आपको 30 रुपीज़ में ईच सीड्स मिल जाएंगे। सो काफ़ी अफोर्डेबल है। इवन डिलीवरी चार्जेस आपको इसकी फ्री डिलीवरी, मैंने तो डिलीवरी चार्जेस पे करके ही मंगाई थी। मैंने 300 रुपीज़ से ऊपर करने पे आपको मतलब डिलीवरी चार्जेस 49 कितना देना पड़ा था मुझे, और आई गेस 1000 कितना का आपको ऑर्डर करने पे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाता है। सो ऐसा सच कुछ है नहीं, मतलब आप अगर जाने आने का भाड़ा वाड़ा देखेंगे तो काफ़ी अफोर्डेबल उस तरह से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ वो है कि नर्सरी लाइफ की जो सीड्स है ये काफ़ी मतलब जाना पहचाना सा वेबसाइट है। इसकी ऐप ले, वेबसाइट और ऐप सेम ही काइंड ऑफ है। सो इसमें भी आपको काफ़ी वैरायटीज ऑफ सीड्स मिल जाएंगे, प्लांटर्स मिल जाएंगे, इवन लाइव प्लांट्स भी आपको मिल ही जाएगा इधर से। जस्ट दैट मैं इसको अफोर्डेबल नहीं बोल सकती हूँ, बट आपको इसमें काफ़ी काइंड ऑफ हेयरलूम सीड्स, एग्जॉटिक वेराइटीज़ भी आपको मिल जाएगा। ये एग्जॉटिक के लिए आप इतना पे करें इज फाइन, बट बेसिक सीड्स भी इसकी काफ़ी प्राइजी है। अगर मैं आपको सॉर्ट करके दिखाऊं, प्राइस लो टू हाई, तो आप देखेंगे 55 से स्टार्टिंग है। नॉर्मल 55 से स्टार्टिंग है। सो नॉर्मल आपको रेडिश के सीड्स भी आपको 55 में मिल जाएंगे। नेवरदिलेस इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट मैंने आज तक ऑर्डर नहीं किया नर्सरी लाइफ से, बट मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे हैं। इवन जान पहचान के बहुत लोगों ने शॉपिंग की है तो उन्होंने तारीफ ही किया है इसका। बट द ओनली प्रॉब्लम इज जो बेसिक जो सीड्स है उसके भी प्राइस पॉइंट है जो 55 से स्टार्टिंग है, उससे कम के आपको यहाँ पे सीड्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको एग्जॉटिक वैरायटी चाहिए तब अगर आप इतना पे करें इट्स,
बट नॉर्मल वैरायटी के लिए भी ये काफ़ी प्राइसी हो जाता है, 55 रुपीज़ पर सीड्स। सपोजेडली अगर मैं किसी हर्ब का सीड देखूँ या फिर चलिए एग्जॉटिक वेजिटेबल का सीड्स देख लेती हूँ। सो एग्जॉटिक वेजिटेबल में ठीक है, चलिए बेल पेपर, मिनी यानी ये कैबेज, चाइनीज, ये सब काफ़ी एग्जॉटिक वेराइटीज़ है, सो फाइन। स्पेशली कैप्सिकम जो मिक्स कलर की है, बट ये जो कैप्सिकम येलो है, ये सब भी सीड्स आप अगर लोकल मार्केट में जाए तो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगी, बट एग्जॉटिक में जैसे कैरेट, ब्लैक वंडर हो गई। सो इन द सेंस दैट अगर आप एग्जॉटिक ओवर द काउंटर, मतलब समथिंग जो आपको कोई और वेबसाइट में ना मिल रही हो, कोई और ऐप में ना मिल रही हो, खाली यहाँ अवेलेबल है एकदम एग्जॉटिक, सो वो चीज़ अगर आप यहाँ से मंगाए तो काफ़ी अफोर्डेबल है। इवन लाइव प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैंने देखा ट्रस्ट बास्केट में नहीं था। सो अगर आपको लाइव प्लांट्स भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी तो ये कलश किचन गार्डन सीड्स है। ये एक्चुअली एक सीड्स कंपनी है जो कि फार्मर्स को सप्लाई करती है, बट जस्ट बिकॉज लॉकडाउन पीरियड था तब इन लोगों ने किचन गार्डन के लिए भी एक अलग से एक अपना वेबसाइट खोला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहाँ से सीड्स ऑर्डर की है जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टीविया के सीड्स दिख गए थे। स्टीविया मतलब वो जो मीठी होती है ना, स्वीट, मतलब आप शुगर के जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसकी सीड्स मुझे यहाँ पे दिख गई थी। सो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे सीड्स ऑर्डर किए हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ डिलीवरी चार्जेस, कि आप कितना भी ऑर्डर कर दो, मतलब कितना का भी आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है। मुझे अपने लोकेशन के हिसाब से 75 रुपीज़ देना पड़ा, बट इनके यहाँ ऑफ़र भी है कि अगर आप अबव 700 का ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो आपको यहाँ पे काफ़ी तरह के वेबसाइट मिल जाएंगे। मैं प्राइस शो कर देती हूँ, प्राइस देख के तो आप काइंड ऑफ शॉक हो जाएंगे कि कितना अफोर्डेबल है ये। मतलब इतना भी नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसी वेराइटीज़ है ना जो आपको बेसिकली इतनी कम में नहीं मिलती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। जैसे कि लिए सपोजिटली ये कैप्सिकम है, ये ऑरेंज जो बेल पेपर है वो आपको 40 रुपीज़ मिल रहा है सीड्स, 30 सीड्स मिलेगा आपको 40 रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे सीड्स की क्वांटिटी भी मेंशनड है कि अगर आपको ये 30 वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया आई गेस, सो मैंने 30 वाला ऑर्डर किया था। ये 50 सीड्स को चाहिए तो 60 रुपीज़ में, 100 सीड्स चाहिए तो 98 रुपीज़ में। सो बेसिकली मैंने 30 सीड्स ऑर्डर किया था जो कि 40 रुपीज़ में अवेलेबल था। अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, बट आपको फिर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 10 सीड्स खरीदा था येलो बेल पेपर का लोकल मार्केट से, जो मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा था। तो यहाँ पे 30 सीड्स अगर मुझे ऑरेंज बेल पेपर का 40 रुपीज़ में मिल रहा है, इवन वाइट पेपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे येलो बेल पेपर भी दिख जा रहा है 45 रुपीज़ का। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है। अगर मैं एग्जॉटिक सीड्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनका एग्जॉटिक रेंज जो है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलरी है, चाइनीज़ कैबेज है, तो ये एग्जॉटिक वैराइटीज़ भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में मिल जा रहा है। और जस्ट बिकॉज ये एक सीड कंपनी है जो कि फार्मर्स को भी सप्लाई करती है, तो इसकी सीड क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। एंड कस्टमर सपोर्ट थोड़ी इनकी काफ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी एक्चुअली स्लो है, बट बेटर रहेगा आप ईमेल ना करके इनको डायरेक्टली कॉल करें तो बेटर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बट एज इन जेन्युइन है, इसकी सीड्स अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली डिलीवर जैसी हो जाएगी मैं आपको उसका वीडियो आपको दिखा दूंगी। बट मैंने काफ़ी सारी सीड्स, मतलब सीड्स यहाँ से ऑर्डर कर ली है। हर्ब्स की भी काफ़ी सारी सीड्स अवेलेबल है, फ्लावर्स की सीड्स ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अश्वगंधा है, बेसिल था ये, एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। कोरिएंडर मिल जा रहा है, चलिए कोरिएंडर तो बेसिक है, लेवेंडर मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, इवन यहाँ पे स्टीविया भी था, ये देखिए ऑरेगानो है, लेमन ग्रास है, स्टीविया स्वीट सीड्स, ये मैंने मंगाया है 50 रुपीज़ का, मुझे 30 सीड्स मिल रहा है। सो आपको काफ़ी सारी सीड्स मिल जाएंगी। इनकी एक वेबसाइट है colorseedsonline.com, तो वहाँ से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ugao.com, इसके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। बेसिकली ये नर्सरी लाइफ जैसा ही है, इसके भी जो प्लांट्स के सीड्स अवेलेबल है उसको मैं अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। अगर आप नए नए किचन गार्डन में
किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने वाला है, तो यहाँ से अगर आपको सीड्स बेसिक सीड्स चाहिए तो ये आपके लिए वेबसाइट नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज बेसिक सीड्स अवेलेबल है लेकिन काफ़ी प्राइसी है। बेसिकली इनकी सीड्स मिनिमम 85 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो रही है, और मेरा मानना है कि आप जितना अफोर्डेबल रख सको किचन गार्डनिंग को उतना अच्छा। अगर आपको बेसिक सीड्स कम प्राइस में कहीं और मिल रही है उतनी अच्छी क्वालिटी में, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। जैसे कि ये ब्रिंजल सीड्स आपको 85 रुपीज़ में मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसी जगह अगर वाइट ब्रिंजल हो तो वो भी अलग वेबसाइट में आपको 40 रुपीज़ में भी अवेलेबल है। हाँ, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने ऑर्डर तो नहीं किया है बट ऑब्वियसली जान पहचान के लोगों ने इनकी सीड्स ऑर्डर किए हैं, क्वालिटी अच्छी है। सो अगर आपको एग्जॉटिक वेराइटीज़ एकदम ऑर्डर करनी है, तब आप नर्सरी लाइफ जैसी है वैसे ही उगाओ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर चाहे एक्सेसरीज चाहिए या फिर लाइफ प्लांट्स चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। और ऐसे कुछ सीड्स जो कहीं और अवेलेबल नहीं है और आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फ्लावर की सीड्स है जो कि काफ़ी एग्जॉटिक वेराइटीज़ है, और आपको यहाँ से ऑर्डर करने हैं, जो मोस्टली यहाँ पे मुझे आउट ऑफ स्टॉक ही नज़र आ रहे हैं, बट ये लोग इन स्टॉक कर लेते हैं, तो आप यहाँ से आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये IIHR सीड पोर्टल है। ये एक हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप बेसिक वैरायटीज़ ऑफ सीड्स मंगा सकते हैं। इनके पास ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं है, पर जो भी वैरायटीज़ अवेलेबल है सीड्स के वो काफ़ी अच्छा ट्रीटेड सीड्स है। मतलब कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीड्स, या फिर आपकी किचन गार्डनिंग एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाती है जस्ट बिकॉज प्लांट्स में कोई ना कोई तरह का इंसेक्ट लग जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बीमारी हो जाता है, प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाते, तो आप अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ से ज़रूर मंगवाएं आप सीड्स, जस्ट बिकॉज इनके जो सीड्स है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। जैसे ये टोमेटो का सीड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोमेटो हाइब्रिड, अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। सो ये सब ये अच्छे क्वालिटी के सीड्स है। यहाँ पे अर्का अपेक्षा जो आपको हाई मतलब ईल्ड देगा, लेकिन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहेगा और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेगा, जस्ट बिकॉज ये हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट के ट्रीटेड सीड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड स्टेज दिया हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके स्टेट में ये नहीं उगेगा, सब स्टेट्स में आराम से उग सकता है। अवेलेबल पैक साइज में आप देख सकते हैं 1 ग्राम का पैकेट आपको 30 रुपीज़ में मिलेगा, 10 ग्राम का 300। सपोजिटली मुझे 1 ग्राम का चाहिए, मैं यहाँ पे क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर सकती हूँ कि 1 ग्राम का मुझे 2 पैकेट्स चाहिए, तो इस तरीके से आप आराम से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी डिलीवरी चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी आप जाके कहीं और से लेके आए, यहाँ से लेंगे एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स के आपको बेसिक सीड्स मिलेंगे, सीड्स के वैरायटीज़ नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको बेसिक सीड्स का ज़रूरत है और आप किचन गार्डनिंग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एकदम यहाँ से मंगा सकते हैं। देखिए आपको कोरिएंडर मिल जाएगा, पालक मिलेगा, कैप्सिकम, मस्क मेलन, चिली, ओकरा, टोमेटो। तो नॉर्मली हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, टोमेटो से स्टार्ट करते हैं, कैप्सिकम यूज़ करते हैं, पालक उगाते हैं, कोरिएंडर। सो आप यहाँ से आराम से इसे भी ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट के तरफ से ही पूरा वेबसाइट है, सो ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बहुत डिले हो रहा है, तो आपका सीड पैकेट आराम से डिले हो सकता है, 1-1.5 महीने का डिले हो सकता है, बट उससे ज़्यादा का नहीं। तो अगर आपको कोई अर्जेंसी नहीं है सीड का, तो आप 1 महीने तक वेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आराम से सीड्स मंगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं जिधर की बात करने वाली हूँ ये एकदम ही डिफरेंट है। ये एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है मेरा, ये PKR ग्रीन्स पोल के एक पेज है। सो ऑब्वियसली जेन्युइन पेज है जहाँ तक मुझे लगा है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने यहाँ से ऑर्डर किया, इवन मैं भी ऑर्डर करने वाली हूँ। इनके पेज में आपको जाके ये लिंक मिल जाएगा, ये लिंक आप अलग से भी टाइप करके खोल सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं आपको इंस्टाग्राम होना ज़रूरी है। सो आपको ये लिंक मिल जाएगा, अब जब ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सीड्स मिलेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। देखिए रेडिश का वाइट ग्लोब है, ठीक है, और बेसिकली ये साउथ इंडिया की तरफ से आ रहा, तो डिफरेंट ऐसे नेम्स मिलेंगे ना जो हम लोग ने सुना भी नहीं है, इवन बिकॉज वहाँ पे हर्ब्स एंड ऑल इतना फेमस है कि डिफरेंट, मतलब मुझे नहीं पता था इंडियन स्नेक रूट बोल के भी कुछ होता है, या फिर मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए यहाँ भी स्टीविया अवेलेबल है, यहाँ 40 रुपीज़ में, ये आज ही ऐड हुआ है, वरना मैं यहाँ से स्टीविया मंगा लेती, मुझे कलर से 50 रुपीज़ में। बट यहाँ पे एक ही बात है कि नंबर ऑफ सीड्स नहीं पता है, बट एक ही बात है
₹50 दे के वहाँ पर भी मंगवा लिया है, वो तो एक पूरा एक इंडस्ट्री है। ये एक पेज है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही सीधे से पर्पल नोल खोल मिल जाएगा 40 निप, वो भी गोल्डन बॉल ₹30 का मिल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ है, यहाँ भी एक्जॉटिक वैरायटीज़ ऑफ सीड्स मिल जाएगा, फ्लावर्स का कलेक्शन। इवन मैंने यहाँ पे लोटस के सीड्स भी देखे थे, नो वाइट लोटस एंड पिंक लोटस दोनों ही अवेलेबल था यहाँ पे, एक्चुअली है अवेलेबल। एंड इवन मैंने इनका डिलीवरी चार्जेस देखा तो मेरे जगह के लिए ₹35 बता रहा था, जो कि मुझे ठीक ही लगा। देखिए पिंक लोटस का सीड्स मिल रहा है यहाँ पे, सो काफ़ी सीड्स अवेलेबल है, काफ़ी वैरायटीज ऑफ सीड्स अवेलेबल है यहाँ पे। इवन फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, देखिए वाइट ब्रिंजल ₹40 है, अलग टाइप ऑफ चिलीज एंड स्पेशली ये कासी टोमेटो बोल के एलुम टोमेटो जो है, ये मुझे तो बिल्कुल से ऑर्डर करना, देखने में ही मुझे ये ऑर्डर, मुझे एक्चुअली टोमेटो ग्रो करना है, सो बेसिकली मैं ये तो पक्का से ऑर्डर करने वाली हूँ यहाँ से। इवन आपको मैं डिफरेंट सीड्स दिखाती हूँ, और भी बहुत टाइप ऑफ सीड्स है, देखिए कसूरी मेथी है, ये क्यूकम्बर है, सांभर क्यूकम्बर, ये बहुत बड़ा साइज़ का होता है, मद्रास क्यूकम्बर बोलता है, स्वॉट बीन्स, यू नो ओकरा, बहुत कुछ आपको डिफरेंट मिल जाएगा यहाँ पे। सो आप यहाँ से भी, इवन यहाँ पे गोस्ट चिली सीड्स, ये मुझे कहीं नहीं मिला, कोई भी वेबसाइट में मुझे ये वाला नहीं दिख रहा था, और अगर है भी तो बहुत ही प्राइजी है। ठीक है, तो ₹40 में मुझे ये गोस्ट चिली सीड्स मिल रहा है, ये एक्चुअली बहुत ही स्पाइसी पेपर है, सो यहाँ से मिल रहा है। तो मैंने कहा था ना कि आपको अलग अलग जगह जाके आपको अलग अलग टाइप के सीड्स मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है एक ही वेबसाइट में आपको हर तरह के सीड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उगाओ एंड नर्सरी लाइफ में मुझे स्टीविया का सीड्स नहीं मिला, सो मुझे वो कलश में मिल गया। इवन ट्रस्ट बास्केट में भी नहीं था, अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी नहीं था। लाइफ प्लांट मिल जाएगा नर्सरी लाइफ में, पर वो ₹1000 देके लाइफ प्लांट लेने से अच्छा मैं सीड्स खरीद लूँ। सो बहुत डिफरेंट काइंड्स है, जैसे ये कासी टमेटो जो मैंने दिखाया, येलो टमेटो जो था वो मुझे कलश में नहीं मिला, वहाँ पे डिफरेंट टमेटो के सीड्स थे। सो वही मैंने बोल रही हूँ, अलग अलग वेबसाइट में अलग काइंड्स ऑफ सीड्स है, सो आपको जहाँ से आपको दिखे कि आपको मैक्सिमम सीड्स अक्वायर कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है, तो आप वहाँ से आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। सो लास्टली मैं आपको बोलूँगी अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, वहाँ भी काफ़ी तरह के सीड्स अवेलेबल है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। अमेजन में भी आपको काफ़ी पैकेजेस मिल जाएंगे सीड्स के, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ ये वाला पैकेज मंगा सकते हैं, आपको कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सीड्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, विंटर एंड समर दोनों सीड्स है, ऑल सीजन सीड्स भी है, तो इस तरीके से आप कहीं से भी सीड्स मंगा सकते हैं। ये कुछ जगह है जो मैंने रिसर्च किया है इतने दिन लॉकडाउन होने पर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, और ये सारे जगह मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी, जहाँ से मैं मंगवा सकती हूँ। सो यही है, मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो गया था सीड्स को लेके, कहाँ से मंगवाना है कहाँ से मंगवाना है, और सब लोग इतना कुछ ग्रो कर रहे थे, और मेरे यहाँ पे मुझे मतलब बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ नया चीज़ भी ग्रो करना था, तो मैंने अलग अलग साइट से सर्च किया, अलग अलग जगह सर्च किया, तब जाके मुझे ये सारी जगह मिली जहाँ से मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं।